पुलिस की गाड़ियां ही खड़ी हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे। जैसा क्या है, आज आपको पता है कि आज जुमे का दिन है और सबसे पहले आप लोगों को जुमा मुबारक। नहीं, एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। जो कल मैंने पोइट्री की वीडियो बनाई थी तो सिर्फ आप लोगों के कहने पे बनाई थी। शाबाश बेटा। तो उस वीडियो पे बहुत प्यार दिखाया आप लोगों ने, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो मुझे तो नहीं पता था कि मेरे व्यूवर्स भी, मेरे ऑडियंस भी ये है ना शेर व शायरी करते हैं। कुछ व्यूवर्स ने तो कमेंट बॉक्स के अंदर ही शेर व शायरी करना शुरू कर दी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों ने हौसला अफजाई की, तो बड़ी बहुत ही अच्छी बात है। आप क्या करने आए हो इधर, बात तो सुनो। अभी मैं इस वक्त फार्म के अंदर हूँ, शेड के नीचे बैठा हूँ। पीटर भी चल रहा है, पीटर की आवाज़ भी आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। तो काओ को चारा वगैरह डाला जा रहा है। फार्म की जो है ना दीवारें बनना शुरू हो गई हैं, जो टूटी हुई थी वहाँ पे। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, कुछ पुलिस की गाड़ियाँ ही खड़ी है, डाला है खड़ा है, पता नहीं क्यों है खड़ा है। यार ये ना कोई आम बात नहीं है, सरदारपुर में कोई ना कोई मसला होता ही रहता है सरदारपुर में, तो इसीलिए जो है ना आए दिन पुलिस भी आती रहती है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सरदारपुर के लिहाज से कोई न्यू खबर मिली जो पुलिस वाला डाला है खड़ा, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। शाबाश बेटा। फिजान घर चले, आ जाओ, चलो चलो घर चले, चलो घर चले, चलो चलो भागो 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 आराम से। अभी आप देखें कि स्टडी रूम का जाना डोर बंद पड़ा है। अभी थोड़ी देर में आता हूँ वो बच्चे को छोड़ के, फिर स्टडी रूम खोलता हूँ। सिर्फ खोलना नहीं है, पढ़ना भी है इंशाल्लाह। बड़े बड़े ब्लॉग बना के आप लोगों को बोर नहीं करूँगा, तो छोटा सा ब्लॉग है आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।